हेलो दोस्तों, आज हम इस 3D डायग्राम्स को बनाएंगे। इसकी प्रैक्टिस देखेंगे कि इसे हम कैसे ऑटोकैड में बनाते हैं। 3D मॉडलिंग हमें सिलेक्ट करना है। उसे सिलेक्ट करने के बाद में इसके इसके हमें टॉप प्रोफाइल पे आना है। टॉप प्लेन हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हमें इसमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लेंथ 75 होगी, विड्थ 50 होगी। रेक्टेंगल कमांड की हेल्प से मैंने यहाँ पे पहले रेक्टेंगल बनाया है। रेक्टेंगल बनाने के बाद में इसे मैं एक्सट्रूड करूँगा। 32 mm की लेंथ से मैंने सिलेक्ट किया है और इसे मैंने एक्सट्रूड कर दिया 32 यूनिट्स। या आप एमएम भी ले सकते हैं। 32 यूनिट्स मैंने इसे एक्सट्रूड कर दिया है। इसे एक्सट्रूड करने के बाद में इसके लेफ़्ट प्लेन को फिर हम सिलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट प्लेन में यहाँ पे जो ये एक ट्रायंगुलर शेप है इसे हम ड्रॉ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लेफ़्ट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लेफ़्ट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, इसकी जो ग्रिड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ पर लेफ़्ट प्लेन सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लेंथ को ड्रा करेंगे। लेंथ हो गई 50 - 18, मतलब 32 इसकी लेंथ हो गई। तो लेंथ मैंने लिया लाइन कमांड की मदद से 32। उसके बाद में इसे मैं नीचे आऊँगा। नीचे मुझे आना है 32 - 16, मतलब मिड पॉइंट से मुझे 16 की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है नीचे नीचे के डायरेक्शन में, और उसे दोनों साइड के जो कटआउट सेक्शन है उसे हमें अटैच कर देना है। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मैं इसे अटैच कर दे रहा हूँ। उसके बाद में मिड वाले जो लाइन हमने बनाई है इसे मैं इरेज कर दूँगा। मिडिल वाले लाइन को मैंने इरेज कर दिया है। उसके बाद में इस ट्रायंगुलर शेप को मैं इसके लेफ्ट प्लेन पे मूव करूँगा। इसके लिए मैं एम कमांड लूँगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, इसके मिड पॉइंट को मैं ट्रैक करूँगा और वहाँ से इसे मैं मूव करूँगा। मूव कमांड मैंने लिया, इसके सेलेक्ट किया। उसके बाद में इसके मिड पॉइंट को मैंने ट्रैक किया। ऑर्थो मोड को हमें ऑफ़ कर देना है। मिड पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया और इसके लेफ्ट प्लेन पे इसके मिड पॉइंट को मैंने ट्रैक करके यहाँ पे मुझे मिड पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मिड पॉइंट को ट्रैक कर रहा हूँ और मुझे मिड पॉइंट मिला, वहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। इसके बाद मैं इसे प्रेस पुल करूँगा। प्रेस पुल की जो लेंथ है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, 36 यूनिट्स हैं। तो मैं प्रेस पुल कमांड लूँगा और इसे ये जो ट्रेंगुलर शेप है उसे मैं सिलेक्ट करूँगा और उसे राइट डायरेक्शन की ओर 36 यूनिट्स मैं प्रेस पुल कर दूंगा। फिर से मैं प्रेस पुल ले रहा हूँ, राइट डायरेक्शन में मैं गया, इसे 36 यूनिट्स मैंने प्रेस पुल कर दिया। वहाँ से मटेरियल रिमूव हो गया। अब ऊपर में जो आप शेप देख रहे हैं उसे मैं ड्रा कर रहा हूँ। उसे ड्रा करने के लिए वो भी सेम लेफ्ट प्लेन में ही ड्रा होगा। उसके लिए हम पॉली लाइन कमांड की हेल्प लेंगे और उसकी लेंथ हो जाएगी 50 - 12, मीन्स 38 इसकी लेंथ हो गई। 38 लेंथ लेने के बाद में अपर साइड में हमें आना है 24। इसकी लेंथ 56 - 32, 24 हो गई। और फिर लेफ्ट साइड में भी हमें आना है 24 और फिर इस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देना है। इसके बाद में इसे हमें एक्सट्रूड करना है। इसे हमें एक्सट्रूड करना होगा 24 की लेंथ से। 24 यूनिट हमें इसे एक्सट्रूड कर देना है। लेकिन उसके पहले मैं इसे जो है कि इसके जो कॉर्नर पॉइंट को पकड़ के मैं इसे कॉर्नर पॉइंट पे मूव कर दे रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को। उसके लिए हम एम कमांड की हेल्प से इसे मैंने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस कर दिया है। उसके बाद में इसे मैं एक्सट्रूड कर दूंगा 24 यूनिट्स की लेंथ से। एक्सट्रूड कमांड मैंने लिया और इसे मैं 24 यूनिट्स के वैल्यू डाल के इसे मैंने एक्सट्रूड कर दिया लेफ्ट डायरेक्शन की ओर। एक्सट्रूड करने के बाद में इसे हम यूनियन कमांड की हेल्प से इसे हम सिंगल ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे। उसके लिए यूनियन कमांड हम सिलेक्ट करेंगे UNI। उसके पहले ग्रिड को मैं ऑफ़ कर दे रहा हूँ। उसके बाद में यूनियन कमांड हम लेंगे UNI, हम कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करेंगे। UNI मैंने टाइप किया। उसके बाद में दो होल ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद में प्रेस इंटर की। उसके बाद में फिर ये ऑब्जेक्ट हमारी एक सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद में इसमें आप अपीयरेंस के लिए कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो हमने 2D ऑब्जेक्ट बनाई थी उसे हम मूव करके डिलीट कर ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट को आपको थोड़ा मूव करना है और जो आपने 2D डायग्राम्स जो बनाए होंगे उसे आपको इरेज कर लेना है। इसमें आप कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें तभी ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। इसे आप ऑर्बिट की मदद से थोड़ा सा इधर उधर पूरी डायरेक्शन की ओर घुमा करके आप इसे चेक कर सकते हैं। इसे मैं कलर अप्लाई कर दे रहा हूँ। जो भी कलर आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हमारी ये पूरी ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गई है। SWI सोमेटिक व्यू में हम इसे देख सकते हैं। यह ऑब्जेक्ट पूरी तरह से बन चुकी है। देखिए, यह ऑब्जेक्ट पूरी तरह से बन गई है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।